गुरु जी आपने एक और दो नंबर के बारे में पूरी जानकारी दी, अब बारी आती है मंगल के बारे में। मंगल का नंबर आपने बताया था 9, तो उसके बारे में भी हमें बताएं कि क्या क्या परेशानियां वो दे सकता है और क्या उपाय हो सकते हैं। बेटा 9 नंबर का जो घर होता है वो मंगल का घर होता है जी। मंगल के घर के अंदर अगर किसी का मंगल बद है, खराब है, किसी भी तरह से बुरा हो रहा है, सबसे पहली बात समझ लो कि जिसका भी मंगल बद है उसकी आंखों पे परेशानी आनी तय है जी। वो इंसान बच्चा पैदा करने के काबिल लगता होगा, कोई कमी नहीं होगी शरीर में, लेकिन बच्चा नहीं पैदा हो पाएगा जी। दूसरी बात, तीसरी बात कि इसके अंदर अपने भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद, कोई ना कोई ऐसी तकलीफें उनके साथ बनी रहती है, कहीं ना कहीं जेलस की भावना अपने अंदर घर करती चली जाती है और उसके कारण भी अपनी जिंदगी के बहुत सारे लॉसेज होती है। क्योंकि जेलस अगर हमारे में है उसका लॉस दूसरे को नहीं होगा, वो सोच सोच के और अपनी जिंदगी को इधर उधर घुमाने की कोशिश के अंदर अपना ही लॉस होता है जी। ठीक है, इसी के अंदर बेटा डिले पे डिले होता है, शादियां नहीं हो पाती और शादी तय होते होते वो खराबी की तरफ पे जाती है, ये भी इसी में आता है। फिर शरीर के अंदर दर्द होना जी, चैन की नींद नहीं सो पाना, समझिए मंगल कार्य नहीं होना और जिंदगी के अंदर बार बार कोशिशें, बार बार कोशिशें, बार बार कोशिशें, लेकिन फिर उसी लेवल पे रहना लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाना, ये सारे के सारे मंगल की भी खराबियां होती है, समझिए। और मंगल की इस तरह की खराबी हो तो बेटा हर मंगलवार को गुड़ की रोटी बना के पक्षियों को डाल दो जी, समझे ना, और छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पक्षियों को डालते रहो, बड़े शौक से कौए खा जाते हैं उनको भी, ठीक है। फिर उसके बाद में चांदी अपने तन के ऊपर धारण करके रखो जितनी हो सके, 3 धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी मिलाकर के बेटा उसे अपने रिंग फिंगर के अंदर धारण कर लो, समझे। और अगर मर्द हो तो हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना, और अगर औरतों के लिए ये खराबी के हालात बने तो फिर तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के मंगलवार के दिन वो मंदिर पे देना, ये करना बहुत जरूरी होगा जी। तब जाके इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब 9 नंबर का मकान हो और ऊपर से साउथ फेसिंग हो, घर के सामने पार्क मैदान खाली प्लॉट हो या कीकर बेरी नीम या पीपल का पेड़ हो, तो ये कहते ना एक करेला एक नीम चढ़ा या आग के अंदर घी डालना, फिर तो ये ऐसा हो जाता है। 9 नंबर के मकान की खासियत है बेटा, जिसको सूट करे बे इंतहा सूट करता और इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे बल्कि इन चीजों के भी सुख मिलते जो मैंने तुम्हें दुख बताए जी। और अगर वो सूट ना करे तो इंसान को सही मायने में हर हिस्से से त्रस्त करना और बेकार करना इस घर का काम होता है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस मकान में रहते हो तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखना, घर में कभी तंदूर भट्टी नहीं जलाना, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, कीकर का पेड़, बेई का पेड़ ये नहीं होना चाहिए, इनका खास ख्याल रखना है। और ये उपाय जब तक चलते रहेंगे इस घर में फिर भी सुखी रहोगे और जल्दी से जल्दी फिर बेटा वो घर को इसको छोड़ के दूसरे नंबर के किसी घर में जाओ। अब क्योंकि मंगल है, मंगल खराब है, तो आपने पुराणों में भी सुना हुआ है कि अगर मंगल खराब हो तो शनि की शरण में जाओ जी। और शनि खराब हो तो हनुमान जी की शरण में जाओ, तो ऐसे में फिर मंगल का नंबर बनता है, शनि का नंबर बनता है 8 जी, केतु का नंबर बनता है 7, समझे। तो अच्छा यही है 7 या 8 नंबर में से कोई ना कोई घर ले लो बेटा, जिंदगी में सुकून आ जाएगा।